कि उस पहाड़ के ऊपर ये जो लोग रह रहे थे, और एक अंदाजे के मुताबिक 400 प्लस माइनस जो लोग थे वो उस पहाड़ की स्लाइडिंग के नीचे आके, जो कि अब तक नहीं मिल सके, तो उनकी कैजुअलिटीज़ हुई थी और ये वो बंद या वो बना था। जब आप इसके अंदर जाएंगे, मैं अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ, बोटिंग की फैसिलिटी यहाँ पे है। तो ये सामने ये जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, झील के अंदर से आपको यूँ नज़र आएगी, क्योंकि इसका टोटल जो ये जो झील है ये 3.5 किलोमीटर है और इसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो 3,500 है। तो जब आप झील के अंदर से आके देखेंगे तो ये सामने वो जो ब्लॉकेज है, वो जो पहाड़ स्लाइड होके नीचे आया, इस तरह की लुक आपको मिलेगी। ऊपर रोड से, जब सुदन गली से आके आप रोड पे खड़े होके देखेंगे तो आपको इस तरह की ऊपर से लुक नज़र आएगी। ये सामने ग्रीनरी, और ये आप यहाँ से जब देखेंगे तो एक बेहतरीन आपको व्यू मिलेगा। और ये जो वाटर सोर्स जो मैंने आपको बताया कि ये नाला था, या ये अब कंटिन्यूसली ये वाटर सोर्स है इसका के जाता है, और आगे फिर वो ब्लॉकेज है। तो ये इतनी बड़ी जो झील क्रिएट हुई है 2005 अर्थक्वीक में, तो इसलिए इसको अर्थक्वीक लेक या फिर जलजला झील कहा जाता है। एक बेहतरीन प्लेस है विजिट करने के लिए। आप जब वहाँ पे जाएंगे आप बोटिंग कर सकते हैं, आप कैंपिंग कर सकते हैं। इसको अप्रोच करने के लिए जीपेबल ट्रैक है, अगर आपके पास फोर व्हील व्हीकल है। बाइकर्स भी इसको अप्रोच करते हैं, और आप वरना रोड पे जिधर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आप गाड़ी खड़ी करके तो आप वहाँ पे आपको गाइडलाइन देके, तो स्टेयर्स भी बनी हुई हैं, आप हाइकिंग करके भी अप्रोच कर सकते हैं। अपना बेहतरीन टाइम गुजारने के बाद आप आगे मुजफ्फराबाद जाना चाहें, वापस सुदन के लिए जाके स्टे करना चाहें, डिस्ट्रिक्ट बाग में जाना चाहें, आप दोनों साइडों से अप्रोच कर सकते हैं, और ये इसका व्यू है। अब मैं दिखाता चलूँ कि ये सामने ऊपर सुदन गली है, और वहाँ से आपको हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगेंगे ये जो बाइक आ रहा है इस